हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं अमन और आज का वीडियो है हमारा बाउंस वेव पर। आज आप सीखोगे बाउंस वेव कैसा करते हैं। तो बाउंस वेव को सीखने के लिए सबसे पहले आप डेमो देखिए। तो आज आप ये वेव सीखोगे और ऐसे डांस मूव आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे यूनिक डांस मूव क्रिएट कर सकते हो। तो बाउंस वेव बहुत ही सिंपल वेव है और इसे आप एक दिन में ही सीख जाओगे। यदि आपको आर्म वेव आती है तो आपके लिए और भी इजी होगा इसे सीखना। यदि आपको आर्म वेव सीखना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डीप में आर्म वेव के बारे में बताया है। तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप आर्म वेव सीख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वेव के बारे में, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस वेव को सीखने के लिए सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट पे जाएंगे, जिसमें कि आपको नॉर्मल वेव सीखना होगी। सबसे पहले तो नॉर्मल वेव सीखने के लिए सबसे पहले इस पोजीशन में आइए। अब अपने पाम को ऊपर कीजिए, अब अपने व्रिस्ट को ऊपर कीजिए, अब अपने एल्बो को आउट कीजिए, अपने शोल्डर को अप कीजिए। अब आप शोल्डर को डाउन करते हुए दूसरे शोल्डर को अप कीजिए, वापस से एल्बो आउट, व्रिस्ट, देन पाम एंड देन फिनिश। आपको ये मूव करना है। अब इसे हम काउंट के साथ करते हैं, तो ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो ये हमारी स्टेप फर्स्ट है। यदि आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए काउंट के हिसाब से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एट तक, और उन एट काउंट के जो स्क्रीनशॉट है उन्हें एक लाइन में अरेंज करके उसका प्रिंट निकाल के आप लगा सकते हो, और उस प्रिंट के हिसाब से आपको सिर्फ उसको फॉलो करना होगा। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, और यदि कोई प्रॉब्लम आपको बनाने में है तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको ये जो इमेज है वो सेंड कर दूंगा। तो आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा और मैं आपको ये इमेज सेंड कर दूंगा। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड के बारे में। तो स्टेप सेकंड के अंदर आपको सिर्फ बाउंस करना है इस वेव के साथ में, जो आपने अभी स्टेप फर्स्ट में सीखी। तो अब जब आप बाउंस करोगे तो बाउंस सिंपल क्या है, आपको पॉइंट ए पे जाना है, ए से बी और बी से वापस ए। और जब आप ये ऐसा करोगे तो इसमें ऐसा लगना चाहिए कि एक बॉल जो होती है वो बाउंस कर रही है। स्टेप सेकंड को बाउंस के साथ करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। वापस से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो ये दो स्टेप को फॉलो कर लीजिए और आप इससे इस ये वेव सीख जाओगे। अब आप इसी वेव को और वेरिएशन में हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला वेरिएशन तो ये है कि आप दोनों को साथ में कीजिए इस तरीके से। तो सबसे पहले ये चार स्टेप में आपको करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पोजिशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये बाउंस वेव का हमारा पहला वेरिएशन है जो हमने दोनों हाथ से किया है। आप जब बाउंस वेव सीख जाओगे तो आप इस वेरिएशन को भी सीखने की कोशिश कीजिए। हमने पहला वेरिएशन सीख लिया, अब हम दूसरा वेरिएशन सीखेंगे। तो ये सेकंड वेरिएशन आप देख रहे हो। अब सेकंड वेरिएशन में मैंने क्या किया है, सिर्फ थोड़ा सा टिल्ट हुआ हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वही सेम वेव कर रहा हूँ, और फिर मैंने टिल्ट हुआ, फिर सेम वेव कर रहा हूँ। इस तरीके से आप भी अपने खुद के वेरिएशन बनाइए। आप चाहे तो स्लो मोशन और इसको कंबाइन कर सकते हैं बाउंस वेव को, और चाहे तो आप बाउंस वेव और रोबोटिक को कंबाइन करके, रोबोटिक वॉक को कंबाइन करके, वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने रोबोटिक वॉक और बाउंस वेव को कंबाइन करने की कोशिश की है। तो ऐसे ही आप अपने इस बाउंस वेव को किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ के एक अपना नया मूव कर सकते हैं। और हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आप कोई सा एक बेसिक डांस स्टेप सीखते हो तो कभी भी उस बेसिक डांस स्टेप को आप किसी को मत दिखाओ जब तक आप अपना खुद उसके अंदर टच नहीं डाल दो। आपको सिर्फ बेसिक को सीखना है, फिर आपको अपने वे में उसको कन्वर्ट करना है, फिर आप अपने दोस्तों को दिखाइए। क्योंकि क्या होता है कि सब बेसिक सीख सीख के सब बेसिक दिखाते हैं, तो वैसे ही से लोगों ने सबसे पहले देख चुके हैं चीज़ें, तो वो बोर हो जाते हैं। इसलिए आप कुछ नया कीजिए, इन वेव को सीखिए, कोई सा भी डांस मूव सीखिए, तो उसको अपने अंदाज में करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हमारा वीडियो सिर्फ आज यहीं तक था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।